राम राम दोस्तों, आज है 22 जनवरी का दिन और आज सभी को पता है श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। अयोध्या के अंदर श्री राम की मूर्ति को स्थापित किया जा रहा है। उसी खुशी में जबलपुर के सबसे प्रसिद्ध घाट गौरी घाट पर सभी लोग यहां पर इस यादगार पल को और यादगार बनाने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं और उनके उल्लास और खुशी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से शाम के प्रोग्राम की तैयारियां यहां पर चल रही हैं और पूरे के पूरे गौरी घाट को शाम के प्रोग्राम के लिए सिंगारा जा रहा है। आज का जो दिन है वो दिवाली जैसा माहौल आप चारों तरफ देख रहे हो, क्योंकि अपने भारतवर्ष में आज 500 वर्ष का इंतज़ार ख़त्म करके रामलला अपने घर वापस लौट रहे हैं और इसी दिन के इंतज़ार में आज वर्षों निकाले हमने और आज वो दिन आया तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस उत्सव में भाग ले रहे हैं। सभी आज स्नान कर रहे हैं। जिस तरीके से आप मकर संक्रांति को देखते हो कि एक अच्छे शुभ कार्य की शुरुआत के लिए गंगा में नर्मदा में स्नान करते हैं, उसी तरीके से आप माँ नर्मदा में प्राण प्रतिष्ठा के दिन भगतजन सभी यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, नर्मदा जी में अपने गोता लगा रहे हैं और पूरे गौरी घाट के नज़ारे आप देख सकते हो। कितने हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आज प्राण प्रतिष्ठा के दिन पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरा गौरी घाट का नज़ारा, पूरा गौरी घाट भगवानमय दिखाई दे रहा है। पूरा गौरी घाट आज भक्ति में लीन है और चारों तरफ भगवा ही भगवा आपको नजर आ रहा है और अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते हुए सारे भगतजन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज इस हमारी ज़िंदगी में ऐसा दिन आया। 500 वर्ष के बाद में कितनी ऐसी पीढ़ियाँ चली गई जिनकी ज़िंदगी में ऐसा पल नहीं आए, लेकिन आज हम अपने पीढ़ियों में सौभाग्यशाली हैं कि हमारी ज़िंदगी में यह पल आया जिसमें रामलला अपने अयोध्या में जिनकी प्रतिमा स्थापित हो रही है अपने जन्म स्थल पर उनका बहुत ही भव्य मंदिर बनाया जा रहा है और इसी खुशी को जाहिर करते हुए सभी लोग यहाँ पर अपने अपने प्रिय स्थानों पर एकत्रित होकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है उसका उत्साह मना रहे हैं और उसी उत्साह को लेते हुए आप गौरी घाट के नज़ारे देख सकते हैं। गौरी घाट में किस तरीके से हजारों की संख्या में सुबह से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ का जो प्रोग्राम रखा गया है वो शाम 6 बजे का है, लेकिन अभी से सिर्फ 1 बजे का टाइम हुआ और 1 बजे में यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच चुके हैं और प्रोग्राम की तैयारियाँ आप देख रहे हैं किस तरीके से रंगोलियाँ बनाकर तैयारी की जा रही है और सभी भगतजन इस यादगार पल को और भी अच्छा बना रहे हैं और अपनी नर्मदा में स्नान कर कर जिस तरीके से मकर संक्रांति और दिवाली पे स्नान करते हैं अपने पवित्र त्यौहार को मनाने के लिए, तो हम भी आज स्नान कर कर इस यादगार पल को और यादगार बनाने के लिए माँ नर्मदा में स्नान कर कर इस प्रोग्राम में भव्य प्रोग्राम में शामिल होंगे और अपने इस महान उत्सव को बहुत उत्साहित होकर मनाएंगे दिवाली की तरह। और शाम के टाइम हम अपने 5 दिए हर घर में देसी घी के जलाएंगे, लेकिन आज पूरे दिन उत्साह के साथ मनाएंगे। आज सारी माताएं अपने प्राण प्रतिष्ठा के दिन को ये देखो संगीत के साथ में किस तरीके से मनाया जा रहा है, अपनी भक्ति को प्रदर्शित कर